दोस्तों मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, भारत में ऐसी कौन सी जगह है जिसे देखने सबसे ज़्यादा विदेशी आते हैं? अगर आपका जवाब ताजमहल है तो आपको ज़रूरत है थोड़ा सा अपडेट होने की, क्योंकि आज वर्तमान में ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है इस एक जगह ने जिसका नाम है महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में स्थित है। दोस्तों 2022 के वर्ल्ड टूरिज्म डे पर द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें बताया गया कि अब ज़्यादातर विदेशी ताजमहल को छोड़कर इस एक अद्भुत जगह को विजिट करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जो कि हमारे भारत देश के प्राचीन इतिहास, कला और संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आज हम विस्तार से बात करेंगे कि इस जगह में ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या विचित्र है जो भारत के बाहर से भी लोग रुपये पैसे खर्च करके इस एक जगह को देखने आ रहे हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आज हम महाबलीपुरम के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। दोस्तों दूसरे देशों को भी अब धीरे धीरे यह समझ आने लगा है कि भारत में सिर्फ ताजमहल ही नहीं, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर विजिट करना उनके लिए एक अलग और यादगार अनुभव हो सकता है। दोस्तों तमिलनाडु में स्थित इस एक जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी शामिल किया गया है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर इस जगह के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, जिसे जानकर लोग और भी इस जगह को लेकर आकर्षित हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इस एक जगह में ऐसा क्या खास है कि सिर्फ भारत से ही नहीं दुनिया भर से लोग इसको देखने आ रहे हैं। दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल होने के पीछे हैं यहाँ के मंदिर और कलाकृतियाँ, जो आज से लगभग 1500 साल पहले बड़े बड़े पत्थरों को काटकर पल्लव राजाओं द्वारा बनाए गए थे। जो यह शहर है, इन पल्लव राजाओं के राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इन राजाओं द्वारा यहाँ पर बनाए गए मंदिर और इमारत द्रविड़ वास्तुकला का सबसे अद्भुत उदाहरण मानी जाती हैं। जैसे कि आप महाबलीपुरम के इस एक मंदिर को ही देख लीजिए, पत्थरों से मूर्ति बनाते हुए तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन यहाँ पर एक पत्थर को पूरा का पूरा तराश कर मंदिर बना दिया गया है। सोचिए कितनी मेहनत और कितना समय लगा होगा इस एक पत्थर को मंदिर बनाने में, वो भी आज के मॉडर्न टूल या इक्विपमेंट का यूज किए बिना। यह हो सकता है उस समय हमारे पास इस काम को करने के लिए आज से भी ज्यादा मॉडर्न टूल्स हों, जिसके बारे में हम बात किसी अगली वीडियो में करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। दोस्तों महाबलीपुरम में ऐसा सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, बल्कि कई मंदिर, मूर्तियां और गुफाएं हैं जिसे इसी तरह एक सिंगल स्टोन से तराश कर बनाया गया है, और कई मंदिर तो इस एक मंदिर से भी बड़े हैं। महाबलीपुरम में एक चीज और है जो आपने शायद पहले कहीं देखी हो, वह है यह स्टोन की बटर बॉल, जिसे भगवान श्री कृष्ण का माखन भी बताया जाता है। दोस्तों इसकी खास बात यह है कि यह गोल सी दिखने वाली बटर बॉल एक ढलान पर रखी हुई है, और यह ढलान ऐसी है कि अगर आप भी इस पर ध्यान से ना चलो तो फिसल कर गिर जाओ, यहाँ तक कि एक छोटी सी बॉल भी इस पर नहीं टिकती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की यह बटर बॉल या माखन कई हजार सालों से इस ढलान पर ऐसे ही टिका हुआ है। जब भी कोई पहली बार इस बटर बॉल को देखता है तो उसे भी यही लगता है कि यह बॉल अब गिरी अब गिरी। लेकिन दोस्तों आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस बॉल को यहाँ से हटाने के लिए सिर्फ इंसानों ने ही नहीं, कई राजाओं के हाथियों ने भी काफी कोशिश की है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की यह माखन बॉल यहाँ से टस से मस्तक नहीं हुई। दोस्तों इसके साथ महाबलीपुरम में कई देखने की जगह है, जैसे कि समुद्र के किनारे पर स्थित तट मंदिर, पांचों पांडवों और द्रौपदी के नाम पर रखे गए अलग अलग अद्भुत कलाकृति के साथ बने रथ मंदिर, भगवान शिव मंदिर, भगवान विष्णु के मंदिर, और इसी के साथ देखने लायक कई गुफाएं भी हैं जिन पर कई अद्भुत नक्काशियां बनाई गई हैं। दोस्तों इस जगह के मंदिरों को रथ मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मंदिर एक सिंगल स्टोन पर रथ को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। ऐसे ही कई अद्भुत मंदिरों को समेटी इस एक जगह की एक और खास बात है कि यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, और अपने समय में इसका इस्तेमाल एक पोर्ट के रूप में भी किया जाता था। आज से लगभग 1500 साल पहले इस जगह के राजा और व्यापारी अन्य देशों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम इसी एक जगह से किया करते थे। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि आखिर क्या वजह है जिसके कारण से विदेशी भी बाकी जगह छोड़कर भारत आ रहे हैं इस एक जगह को देखने के लिए। लेकिन अगर हम इंडियंस को देखा जाए तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज भी ज्यादातर भारतीय ताजमहल को देखना ही ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है वो आप हमें बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप भी महाबलीपुरम जाना चाहते हैं तो आप चेन्नई से होते हुए जा सकते हैं, क्योंकि यह जगह चेन्नई से मात्र 50 से 60 किलोमीटर दूर है, और चेन्नई आप ट्रेन से, फ्लाइट से, किसी से भी जा सकते हैं। यह वीडियो यहीं तक थी, तो अब आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिनके साथ आप प्लानिंग कर रहे हैं महाबलीपुरम को देखने की। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।